हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी फिल्में जिसे देखने के बाद आप पागल नहीं तो आपके ऊपर उसका गहरा असर हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मिस्ट्रियस फैक्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वो फिल्में जानने से पहले हम बात करते हैं कि हम मूवी से इतना कनेक्टेड क्यों रहते हैं। तो इस पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने कहा है कि मूवीज हमें दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया सिखाता है। वो हमें टेंशन से साइड करके एंटरटेन करवाते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जब हम मूवीज़ को देखते हैं तब हम इमोशनली उससे कनेक्टेड रहते और वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। तो किसी भी कैटेगरी की मूवीज़ हो वैसे ही हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अब आपको समझा होगा कि हम मूवी से इतना कनेक्टिव क्यों रहते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं जो आज हम करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मूवीज हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं देखनी चाहिए। इस सवाल का आप सभी लोग एक ही जवाब देंगे कि हॉरर फिल्म, पर यह राइट आंसर नहीं है। हॉरर फिल्म से भी आज तक बहुत लोगों की मौत हुई है, और इसके अलावा एक कैटेगरी है जो हमारे ब्रेन पर हमारे लाइफ पर उसका प्रभाव डालती है, उसे हम साइकोलॉजिकल मूवीज़ भी कहते हैं। अब आप बोलोगे कि साइकोलॉजिकल मूवीज से हमें क्या नुकसान है, तो वह गलत है। उससे नुकसान भी है और फायदे भी हैं। पहले हम फायदे के बारे में बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल मूवीज़ हमें सोचने में मदद करती है। हमारी ब्रेन पावर, किसी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ाती है। उससे हमें अलग एक्सपीरियंस मिलता है जो कि हमें कॉमेडीज और रोमांटिक मूवीज से नहीं मिलता। साइकोलॉजिकल मूवीज को देखने के बाद हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, वो हमें एक डीप में लेकर जाती है। ये हुए उसके फायदे। तो अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान के बारे में। कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल मूवीज में हम इतना खो जाते हैं कि वो हमारे रियल लाइफ में बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ज़्यादा मात्रा में हॉरर मूवीज देखते हैं तो उसका हमारे भी लाइफ में कुछ प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं उसके बाद हमें हमारा डेली लाइफ में कोई भी नॉर्मल चीज़ हॉरर रूप में ही दिखती है। एक घबराहट सी होती है कि यहाँ कोई है नहीं है ना। कोई भी नॉर्मल चीज़ हमें भूत या अजीब रहस्यमय चीज़ की तरह दिखती है। वैसे ही साइकोलॉजिकल मूवीज ज़्यादा देखने से हम भी रियल लाइफ में थोड़ा वैसा बर्ताव करते हैं। मतलब हम किसी पर ज़्यादा शक खाते हैं, नहीं तो कोई भी नॉर्मल चीज़ को बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से देखते हैं। कुछ लोग साइकोलॉजिकल मूवीज़ को रियल लाइफ में ट्राई करते हैं, मतलब वो उस कैरेक्टर जैसा रियल लाइफ में जीना स्टार्ट करते हैं, उसके जैसा बर्ताव करना शुरू करते हैं। पर सब साइकोलॉजिकल मूवीज़ बुरी नहीं होती। कुछ मूवीज़ के कैरेक्टर अच्छे भी होते हैं, पर कुछ कैरेक्टर निगेटिविटी से भरे होते हैं। कभी कभी कुछ लोग वो कैरेक्टर को जीना शुरू करते हैं, उसके जैसा बिहेवियर करते हैं। इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल पर्सन रहता है वो कभी कभी कुछ भी काम करता है पर उसे भड़क से भी नहीं रहती। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल मूवीज भी कभी कभी हमारे लाइफ पर बहुत ही गहरा असर डालती है। तो आप वो मूवी देखना छोड़ें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों को ऐसी मूवीज देखना अच्छा लगता है तो देखिए। मैंने सिर्फ इसके एक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है कि कुछ लोगों पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और हाँ, अब मूवीज की बात हो ही रही है, तो अगर आपको ऐसे मूवीज देखनी पसंद है तो टेलीग्राम पे हमारे एक मूवीज का चैनल है जिस पर हम लेटेस्ट मूवीज डालते रहते हैं। तो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही मैं रहस्यमय वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही एक रहस्यमय वीडियो के।